हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एट योर हाउस. सो टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू फिनिश योर टॉपिक ऑफ द टेंसेस एंड वी हैव डिस्कस्ड हियर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच यू द फ्यूचर टेंसेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. देखिए बेटा क्या कह रहे हैं कि आज आपका जो टॉपिक होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो भविष्य के अंदर काम होगा वो किस समय तक पूरा हो चुका होगा, व्हेन विल बी द वर्क एंड इन द फ्यूचर, इसको शो करने के लिए हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो यदि हम बात करते हैं इसके टाइम वर्ड की, आपको पता है कि टाइम वर्ड में हमारे पास क्या क्या होता है? विल होता है, सेल होता है, प्लस में इसमें हैव और यूज कर देते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फ्यूचर के लिए तो शो क्या कर दिया भाई, हमारे पास ये शो क्या कर रहा है कि फ्यूचर का है, और वो फ्यूचर के अंदर वो काम समाप्त हो चुका होगा, और जहां पर भी कोई भी काम समाप्त हो जाता है वहां पे हमारे पास क्या आता है? आता है. अब ये हैव आता है तो कहता है कि भाई विल और सेल के सामने मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पे हमने क्या कर दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर दिया. ठीक है, अब यहां पे झगड़ा हो रहा है कि भाई मैं तो ठीक है, आपने तो विल और सेल के साथ तो आपने काम पूरा कर दिया. अब कहता है कि भाई हैव है, वो कहता है कि मेरा क्या, आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आपने तो जो भी नया न्याय करना था विल और सेल के साथ किया, मेरे साथ तो आप अन्याय कर रहे हो. भाई काम तो फ्यूचर में ही हुआ है तो विल सेल तो 100% आएगा, लेकिन अब ये कहता है कि काम समाप्त भी तो हो चुका है ना, और जहां पे काम समाप्त हो गया है वहां पे हैजेव आएगा, और जहां पे हैजेव आएगा वहां पे एक्शन थर्ड फॉर्म से 100% आएगी ही आएगी. तो इस तरह से ये हैव आपके इसके बीच में आ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है भाई मैं आपके बीच में आ जाता हूं. तो इस तरह से आपको वही चीज यूज करनी है कि विल कहां पे यूज करता है? आई और वी के साथ. किसके साथ? आई और वी के साथ विल, और बाकी के साथ क्या यूज करते हैं भाई? सेल. ऐसा ही बताया था ना मैंने, ना लाइको आई और वी के साथ सेल, और बाकी के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल यूज कर देंगे. ऐसे हमारे पास ये विल सेल वाला बताया था जहां पे आप नोट यूज कर दोगे. अब नोट यूज करने का एक ध्यान रखना है कि हम लोग जब इसके अंदर नोट यूज करते हैं विल सेल प्लस में नॉट प्लस में है, इस तरह से यूज करेंगे इसका. नेगेटिव बनाओगे तो सेल विल प्लस में नॉट प्लस में है, और उसके बाद एक्शन आपकी थर्ड फॉर्म से यूज करते हैं. गुड इट एवरीवन. अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा. अब ये देखिए बेटा, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टिल या बाई के आगे फ्यूचर को दर्शाने वाला टाइम दे रखा होगा, ध्यान से रख देखना बेटा, टिल या बाई से जोड़ा हुआ है और उसके सामने फ्यूचर टेंस दे रखा होगा, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा. क्या कहता है कि आई सेल हैव रिटर्न योर मनी, बाई का यूज कर दिया, और नेक्स्ट संडे क्या है ये आपके सामने फ्यूचर शोविंग वर्ड्स है, और जहां पे टिल या बाई के साथ फ्यूचर शोविंग वर्ड्स लगा दिया जाता है वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. तो यहां पे आपके सामने देखा. दूसरा देख लीजिए क्या है, वी विल हैव रिसीव्ड हिज कोर्स टिल आपके सामने आया, और द सनसेट टूमारो, और जहां पे सनसेट टूमारो आ जाता है वहां पे 100% आप लोगों का फ्यूचर टेंस हो जाता है. तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा?
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। वी विल हैव टेकन टी बाय नाउ, अब यहाँ पे भी क्या है, फ्यूचर को शो कर रहे हैं तो इसलिए हमने यूज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें वैन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, ये ध्यान से देना बेटा। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें वैन या बिफोर के आगे फ्यूचर टेंस सिंपल प्रेजेंट दे रखा होगा। देखिए यहाँ पे बिफोर आ गया, रिसीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट। आप देखिए बिफोर द स्कूल अराइव्स, बिफोर विजिट, और सभी के सामने हमने क्या यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया हुआ है। गॉट इट एवरीवन, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ये आपके आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अब लास्ट हमारे पास इसी का आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको क्या कहता है, व्यक्त करता है कि भविष्य में किसी निर्धारित समय में तक कोई कार्य लगातार होता रहेगा, किस समय तक वो कार्य होता रहेगा, फ्यूचर में ही शुरू होगा और वो कब तक होता रहेगा, इसको काम को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसमें आपको देखना क्या है कि यहाँ पे वही विल और शैल आ गया, हैव आ गया, इसके बाद हमें बीन लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट भी करना है और कॉन्टिन्यूस को, दोनों को फॉर्म को एक साथ कंबाइन करना है, और जब कंबाइन करोगे तो हैव बीन तो आएगा, और जब कंटिन्यूस में लेके आओगे तो एक्शन फोर आएगी, वी फोर आएगी आएगी, और जहाँ पे वी फोर आ जाएगा वहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ देखना है, सिंस या फोर का टाइम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है सिंस या फोर टाइम आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। अब देखिए बाय नेक्स्ट, अब ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस या फोर वाले टाइम के अतिरिक्त बाय के साथ, उसमें क्या था भाई, बाय के साथ सिंस या फोर नहीं था, इसमें क्या बोल रहा है ये, बाय के साथ आपके सिंस या फोर वाला टाइम होगा और उसके साथ फ्यूचर शोइंग टाइम दे रखा होगा, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे बाय नेक्स्ट मंडे, अब बाय नेक्स्ट मंडे यूज कर दिया। आप आगे देखेंगे, आप कहोगे सर यहाँ से कैसे पता लगा कि भाई हमारे पास इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि तो ये सेम वही बन रहा है क्योंकि आपने पहले वाले में बताया था। अब आगे देखना बेटा, ये फोर वाला टाइम आ गया, फोर थ्री वीक्स। अब जैसे फोर और सिंस वाला टाइम आ जाएगा तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐड हो जाता है। बाय टुमारो, अब ये फ्यूचर है और यहाँ पे ही सम फॉर 10 days, इंग्लिश फॉर 10 years, तो यहाँ से इनको यूज़ करते हैं ऐसा, और ये आप इसको अपने नोटबुक में उतार लोगे। हमने अपना ये टेंस वाला टॉपिक पूरा कर लिया है, ऐसा करता हूँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आया है। तो बेटा तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे। कल से हम आपकी बुक्स की एक्सरसाइज करेंगे, लेसन नंबर 11। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।